देखिए दोस्तों, जब हमें बैंक से पहली बार एटीएम मिलता है तो उसके लिए हमें एक 6 डिजिट का ओटीपी जनरेट करना पड़ता है। तो कैसे वो बैंक में जनरेट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी आपको एटीएम मिला है पहले उसको ओपन कर लें। कुछ इस तरह का एटीएम मिलता है या जो भी एटीएम मिला है आपको उसको पहले ऐसे इंसर्ट कर लें। इंसर्ट करने के बाद आपको इस तरह से मैसेज आएगा, प्लीज़ वेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ओवरड्राफ्ट फॉर पीएमजेडी बैंकिंग, फास्ट कैश, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफ़र। तो क्रिएट जी पिन यहाँ पे लिखा हुआ आया है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो पहली बार मैं ओटीपी जनरेट कर रहा हूँ तो मुझे ओटीपी जनरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसको प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आया है, ओटीपी हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो अभी आपके पास जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको ओपन करिए और उसके अंदर एक पिन आया होगा तो आपको वो याद रखना है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, ओटीपी उसी टाइम नहीं आता है, कोई 5 या 10 मिनट भी ले सकता है। तो आपको 5 या 10 मिनट का वेट कर लेना है, उसके बाद ही ओटीपी ये वैलिडेट होगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा ओटीपी आ चुका है। अब ये 6 नंबर का ओटीपी मैं वैलिडेट करूँगा। तो एक बार फिर मुझे एटीएम कार्ड अपने एटीएम में इंसर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, ओटीपी आने के बाद एक बार फिर कार्ड को आपको इंसर्ट करना है एटीएम में। इस तरह से इंसर्ट कर देंगे, फिर वही मैसेज आएगा, इस यहीं पे जाएंगे, क्रिएट चेंज जी पिन। इस पे क्लिक करने के बाद इस बार जो ऑप्शन दबाएंगे हम, ओटीपी वैलिडेशन का दबाएंगे। तो पहले अपना मोबाइल में देख लीजिए एक बार ओटीपी क्या है। तो देखिए इस तरह से जब उस पे वैलिडेट पे क्लिक करा तो इस तरह से मैंने पिन डाल दिया। इस पे लिखा हुआ है टू गेट न्यू पिन। यस दिवाने के बाद ये पूछ रहा है, पिन चेंज, प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन। अब जो आप नया पिन रखना चाहते हो वो रख दीजिए, इधर टाइप कर दीजिए यहाँ से।